नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। सीएम हेमंत सोरेन ने सबको चौंकाते हुए एक बड़ा काम कर दिया है और यह ऐसा काम किया है जिसे सुनकर विपक्षी दल की आंखें देखती की देखती रह गई। सीएम सोरेन ने झारखंड में चल रही सारी अटकलों पर विराम लगवा दिया है, क्योंकि चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद कहा जा रहा था कि अब झारखंड में खेला होगा, लेकिन इस खेला पर सीएम हेमंत सोरेन ने पानी फेर दिया। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद अब हेमंत सोरेन के 11 नए मंत्रियों को राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं कांग्रेस कोटे से बादल पत्रलेख की जगह नए मंत्रिमंडल में दीपिका पांडे सिंह ने मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं पूर्व आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस की ओर से इरफान अंसारी को मौका दिया गया। वहीं जेएमएम कोटे से वैद्यनाथ राम को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जबकि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी कोटे से अन्य सभी पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिला। लेकिन चंपाई सोरेन के कैबिनेट में शामिल होने से हेमंत सोरेन के छोटे भाई और पूर्व मंत्री बसंत सोरेन का नाम कट गया। हेमंत सोरेन कैबिनेट में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सबसे पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्री परिषद में डॉक्टर रामेश्वर उराव, सत्यानंद भोक्ता, वैद्यनाथ राम, दीपक बिरूबा, बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन अंसारी, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह को शपथ दिलाई जा रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक सादे समारोह में जिन 11 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, उनमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के ये विधायक शामिल हैं। चंपाई सोरेन के बाद डॉक्टर रामेश्वर उराव ने झारखंड सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। वो हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन दोनों सरकारों में वित्त मंत्री रहे। झारखंड में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाले पहले मंत्री हैं। हालांकि इससे पहले रघुवर दास सीएम रहते हुए 5 बार बजट पेश कर चुके हैं। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत चंपाई सोरेन और डॉक्टर रामेश्वर उराव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सत्यानंद भोक्ता 5वीं बार मंत्री बने हैं। इससे पहले वो बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें।